नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की हम लोग अपनी इस क्लास पे एनिलीन के रासायनिक गुण को पढ़ेंगे, जिसमें बच्चों पहला पॉइंट है एल्कलीकरण। एल्कलीकरण, ठीक है बच्चों, हमको एनिलीन के साथ एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया करनी होगी। किसकी? एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया करनी होगी। तो जब हम देखिए, पहले मैं समझाता हूँ आपको, किसके साथ? एनिलीन, किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, C6H5NH2, इसकी अभिक्रिया हम लोग कोई एल्किल हैलाइड, मैं एग्जांपल ले देता हूँ एल्किल के लिए, CH3 हैलाइड की जगह पर आई। तो हम देख रहे हैं कि जब कभी हम एनिलीन की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, एनिलीन की अभिक्रिया मेथिल आयोडाइड यानी एल्किल आयोडाइड के साथ कराते हैं, तो एमिनो समूह का एक हाइड्रोजन विस्थापित होता है, अलग होता है, तो H विस्थापित हुआ तो HI बनाया, बनाने के बाद अब हमारे पास एक H बच रहा है, C6H5NH और ये CH3, ये आकर बच्चों इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार एक हाइड्रोजन विस्थापित हुआ है तो दूसरा हाइड्रोजन भी विस्थापित हो सकता है, इसका नाम है एन मेथिल एनिलीन, एन मेथिल एनिलीन। तो देख रहे हैं आप कि क्रमशः जब एनिलीन के साथ एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया की जाती है तो उसमें से हाइड्रोजन विस्थापित होता है और हमको एमीन बनाता है, ठीक है। एमीन के साल्ट बनाता है, ठीक है। आगे तो ये तो कंडीशन थी जब एक हाइड्रोजन स्थापित हुआ, अगर दूसरा हाइड्रोजन स्थापित भी हो जाता तो देखेंगे अब हमारे पास ये चीज बना है C6H5NH CH3। वापस बच्चों इसका हम लोग एल्किल हैलाइड, चलिए CH3 आई ही ले लेते हैं, के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वापस इस कंपाउंड में उपस्थित हाइड्रोजन जो है वो इस आई के द्वारा अलग हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, हट जाता है, HI बनाता है, वापस से CH3 आकर इसके साथ जुड़ जाता है। तो क्या बन रहा है? CH3 का होल ट्वाइस, ये CH3 इसके साथ जुड़ गया होल ट्वाइस, फिर N C6H5। तो इसका क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है N N-dimethyl aniline। तो देखिए इसकी थ्योरी क्या होती है एल्कलीकरण के अंतर्गत, जब हम लोग एनिलीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइडों के साथ करते हैं तो क्रमशः हमें एमीनो के लवण प्राप्त होते हैं। तो बच्चों ये दो स्टेप का रिएक्शन था, आप इसे अपनी कॉपी पर दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक, इसको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों दूसरी हेडिंग है हमारी एसिलीकरण। बच्चों एसिलीकरण, सबसे पहले एसिलीकरण के अंतर्गत आपको कौन कौन से अभिकारक लेने होंगे जो एनिलीन से क्रिया करेगा। तो पहला जो अभिकारक है वो आप एसिटिक एनहाइड्राइड तथा दूसरा एसिटल क्लोराइड या तो बेंजाइल क्लोराइड, ये तीन ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों अब देखते हैं एसिलीकरण, ठीक है। एसिलीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत क्या होता है? सबसे पहले बच्चों हम लोगों को एनिलीन लेना है, C6H5
NH2। इसका अभिक्रिया सबसे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं तो क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है बच्चों CH3CO का होल ट्वाइस हो। मैं लिख देता हूँ इसका फार्मूला CH3CO का होल ट्वाइस हो। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है बच्चों। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच जो ये बंध बना है ये अध्रुवीय है, ये जल्दी नहीं टूटेगा। दूसरी बात, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच, इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच जो बंध बना है वो डबल बॉन्ड है, ये भी बहुत मजबूत है। परंतु ये ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच का ये बॉन्ड जो है ये ध्रुवीय बंध है, ये जल्दी टूट सकता है। ये कार्बन इस ऑक्सीजन के बीच का ये भी बंध टूट सकता है, तो कोई एक बंध लेते हैं। मैं इसको लेता हूँ, इसको तोड़ता हूँ, उसको माइनस आया, ये प्लस आया, माइनस को चाहिए बच्चों प्लस। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या हम करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितने एच थे, दो एच थे, तो सबसे पहले इस बंध को तोड़ दीजिए, माइनस और ये प्लस, ये वाला प्लस इसको की तरफ चलाएगा। तो देखिए क्या है, CH3COO यानी सी डबल ओ, CH3COO एसीटेट आयन है ये। इस एसीटेट आयन के साथ एच प्लस जुड़ जाएगा तो ये एच बन जाएगा, एसिटिक अम्ल बनेगा। इसके बाद अब हमारे पास क्या बच रहा है, CH3CO, इसको एसिल समूह कहते हैं। ठीक है, CH3CO इस पर है प्लस का चार, ये प्लस आकर सीधा एन के साथ जुड़ जाएगा। तो मैं नीचे से लिखता हूँ C6H5NH पर माइनस है, आकर क्या जुड़ रहा है, COCH3। इसका नाम है एसीटेनिलाइड। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पहला रिएक्शन जब हम एनिलीन की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं। तो ये रिएक्शन बच्चों पिरिडीन की उपस्थिति में होता है, इसकी उपस्थिति में पिरिडीन। तो आप क्या लिखेंगे, जब एनिलीन की अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ की जाती है तो एसीटेनिलाइड बनता है। तो मैंने पहला बताया, अब सोचिए एसिटाइल क्लोराइड होता है तब क्या बनता। बच्चों एसिटाइल क्लोराइड का फार्मूला होता है CH3COCl। मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ CH3COCl। तो हम लेते हैं C6H5 aniline H। हम लोगों को रिएक्शन करना है एसिटाइल क्लोराइड CH3C(OCl)। चलिए बच्चों, हमें पता है यहाँ पर जो Cl है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, हैलोजन अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ के बाहर निकलेंगे तो Cl को चाहिए होगा H+, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ये और ये आपस में मिल जाएंगे तो बना लेगा HCl। और अब इस नाइट्रोजन की तरफ से ये कार्बन आके जुड़ जाएगा C6H5NH। अब क्या जुड़ रहा है, COCH3COCH3। इसको भी बच्चों एसीटेनिलाइड कहते हैं। अब मान लीजिए बेंजाइल क्लोराइड होता है इसकी जगह पर, तो बेंजाइल क्लोराइड का फार्मूला C6H5COCl, ये बेंजाइल क्लोराइड का फार्मूला है। ठीक है, अब इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करेंगे, एनिलीन के साथ C6H5NH2। तो रिएक्शन होगा, यहाँ से ये बॉन्ड आपका फिर से टूटेगा, इसका एक एच यहाँ से बाहर निकलेगा और बनाएगा HCl। अब हमारे पास क्या बच रहा है, C6H5NH, क्योंकि एक एच जा चुका है, बाकी हमारे पास अब क्या बच रहा है, COCH5। इसको कहते हैं बेंजेलिनाइड कहते हैं। तो ये बच्चों एसिलीकरण, ठीक है ना। तो ये जितना रिएक्शन है पिरिडीन की उपस्थिति में हो रहा है, और ये जो रिएक्शन है ये NaOH की उपस्थिति में हो रहा है, ये और ये पिरिडीन की उपस्थिति में, ये NaOH की उपस्थिति में। चलिए अब अगली हेडिंग देखेंगे हम लोग, अगला केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। अगली केमिकल प्रॉपर्टी है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये रिएक्शन पीछे भी हो चुकी है, इसका मैकेनिज्म भी हमने समझाया है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियो जरूर देखें।
तो देखिए कार्बिल एमीन के अभिक्रिया में क्या होगा, हमको जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो तो लेना पड़ेगा, C6H5NH2। इसका रिएक्शन हम लोग क्लोरोफॉर्म CHCl3+KOH के साथ कराते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो कैसे होगी वो थोड़ा सा देखिए, इसको मैं स्ट्रक्चर बेस पे बना देता हूँ। CHCl CL CL, ये लिविंग ग्रुप है बच्चों, ये निकल जाएगा, ये लिविंग ग्रुप है, ये निकल जाएगा, ये लिविंग ग्रुप है, ये निकल जाएगा। अब इन तीनों Cl को बच्चों क्या चाहिए, धातु पोटेशियम चाहिए, तो ये कितने होने चाहिए, तीन होने चाहिए। क्लियर होती बात, तीन होने चाहिए। तो तीन धातु इस तीन धातु को लेकर 3KCl के रूप में बाहर हो जाएगा। इसके बाद अब इस तीन ठो OH को तीन H चाहिए, तो एक दो तीन, यहाँ से इसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़ दीजिए और इसे भी निकाल दीजिए। तो ये तीन ठो जो H है इन तीन OH के साथ जुड़ जाएगा 3H2O के रूप में। बाकी क्या बच रहा है बच्चों हमारे पास, C6H5NC, फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि कैसे हम एनिलीन का परीक्षण करेंगे तो आप बोलेंगे कि एनिलीन पर यदि हम क्लोरोफॉर्म तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो हमको फेनिल आइसोसाइनाइड की दुर्गंधयुक्त एक पदार्थ प्राप्त होता है। तो आप इस प्रकार इसका परीक्षण भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे कि एनिलीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। उसके बाद बच्चों आप इसका रिएक्शन लिखेंगे। बच्चों इस रिएक्शन का मैकेनिज्म मैंने पीछे की क्लास में बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया है, इसे आप वहां देख सकते हैं। इसके बाद अगला रिएक्शन है हमारा एल्डिहाइडों के साथ अभिक्रिया। देखिए क्या होगा, सबसे पहले एनिलीन लेते हैं, C6H5NH2, ये तो होगा ही होगा कंपलसरी। इसके बाद अब हम लोगों को क्या लेना है, एल्डिहाइड लेना है। चलिए एल्डिहाइड में हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं, कौन सा एरोमेटिक, तो C6H5C डबल बॉन्ड OH CH, एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिया। आगे बढ़ते हैं तो बच्चों क्या रिएक्शन होगी वो देखिए। सबसे पहली बात रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो ये जो हमारा दो ठो H है ये इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाकर चला जाएगा, तो बनाया पानी। इसके बाद बच्चों ये कार्बन कितने बार बंद बनाएगा, दो बार। अब ये नाइट्रोजन दो ठो हाइड्रोजन से पहले बंद बनाया था, दोनों चले गए, अभी नाइट्रोजन दो बार बंद बनाएगा, तो मैं लिखता हूँ C6H5N। अब इसको डबल बॉन्ड बनाना है, कार्बन को भी डबल बॉन्ड बनाना है, क्योंकि ऑक्सीजन जा चुका है, तो N डबल बॉन्ड C, C के साथ क्या जुड़ा है बच्चों, H, और उसके साथ C6H5, ये बन गया। इसे बच्चों सिर्फ बेस भी कहते हैं, सिर्फ बेस, और इसका रासायनिक नाम है बेन बेंजली डीन एनिलीन, एनिलीन बच्चों ये इसका रासायनिक नाम है बेंजली डीन एनिलीन। तो एल्डिहाइडों के साथ अभिक्रिया में आप क्या लिखेंगे, जब एनिलीन की अभिक्रिया किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड बच्चों, एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ की जाती है, इसको बेंजल्डिहाइड भी बोलते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ की जाती है, तो हमें सिर्फ बेस या बेंजीलिडीन एनिलीन प्राप्त होता है। ये था बच्चों एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। इसके साथ अगली हेडिंग होगी हमारी कार्बन डाई सल्फाइड से अभिक्रिया। अब बच्चों कार्बन डाई सल्फाइड के साथ हम लोग अभिक्रिया देखेंगे, तो एनिलीन C6H5NHH, कार्बन डाइसल्फाइड का फार्मूला होता है CH2, मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ठीक है,
तो बच्चों देखिए यहाँ पर कौन कौन सा बॉन्ड टूटेगा, हमारे पास ये दो हाइड्रोजन टूट जाएंगे और ये एस टूट जाएगा, ठीक। और इसका रिएक्शन हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड का जो रिएक्शन है ये के ओ एच के साथ किया करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दें, सबसे पहले हमको पता है कि अब हमारी रासायनिक अभिक्रिया यहाँ स्टार्ट होगी, तो दो ठो एच यहाँ से निकलेंगे, इन एच को कौन आकर्षित करेगा, ये आकर्षित करेगा, है ना। तो सबसे पहले चूंकि ओ एच तो एक ही है और यहाँ से एच प्लस दो निकलेंगे, तो इसीलिए इसकी संख्या कितनी करते हैं, दो करते हैं, तो दो ओ एच के साथ दो एच हम लोग जोड़ देते हैं, तो बनता है 2H2O, बन गया 2H, दो ठो एच के साथ बनाए तो दो बार पानी बना। अब इसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है, ये के कितने हैं, दो हैं, और वो इस S के साथ आकर जुड़ जाएंगे, तो बनाएगा K2S, K2S पोटेशियम सल्फाइड। अब हमारे पास नीचे से मैं लिखूंगा, अब क्या बच रहा है हमारे पास C6H5N, दोनों चले गए। अब ये नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड बनाना है, वो कार्बन के साथ बना लेगा, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एस, ठीक है। इसे डाइफेनिल थायो यूरिया बच्चों एक थोड़ा सा छूट गया है यहाँ पर, बच्चों यहाँ पर हमको एनिलीन के दो अणु लेने होते हैं, एनिलीन के दो अणु लेने होते हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिएक्शन देखिए, दोबारा से एनिलीन के कितने अणु लेने होंगे, दो अणु, C6H5NH, दो अणु मैं लगातार बना देता हूँ, C6H5NH, इनका रिएक्शन आपको किसके साथ करना है, कार्बन डाइसल्फाइड और KOH। अब आगे देखो बच्चों, एक एच ये निकालो, एक एच ये निकालो, दो एच निकला तो ये दो ठो OH के साथ इसके आगे दो बना लो, दो एच दो ओ एच के साथ एक एच ये निकल जाएगा तो बनाएगा 2H2O। अब दो ठो ये के एक एस के साथ निकाल दीजिए, K2S पोटेशियम सल्फाइड। अब ये नाइट्रोजन को एक बार बंद बनाना है, ये नाइट्रोजन को एक बार बंद बनाना है, कार्बन को दो बार बनाना है, तो कैसे लिखेंगे, C6H5N के साथ H है, ये एक बार बंद बनाएगा, C डबल बॉन्ड S, ऐसे ऐसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड S, अभी एक बार और बनाएगा, ये भी तो एक बार बनाएगा, तो फिर C6H5NH, और ये बॉन्ड यहाँ से बनेगा, ये यौगिक है, इसे हम लोग बोलते हैं डाइफेनिल थायो यूरिया। चलिए अब क्या बोलेंगे आप इसके रिएक्शन पर, आप बोलेंगे एनिलीन के दो अणु को जब हम कार्बन डाइसल्फाइड के साथ क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया कराते हैं तो डाइफेनिल थायो यूरिया बनता है, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे, आज हम लोग पूरी केमिकल प्रॉपर्टी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए अगला देखते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया देखेंगे, तो बच्चों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया देखेंगे तो सबसे पहले C6H5NH2, ये तो कंपलसरी है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के लिए RMGX होता है, R की जगह पर ले लीजिए C2H5MGX, की जगह पर ले लीजिए BR, ये ले लिए।
अब ये वाला बॉन्ड यहाँ से तोड़ दीजिए यहाँ, और ये बॉन्ड तोड़ दीजिए यहाँ पर। तो ये वाला जो H है ये C2H5 के साथ जुड़ेगा, तो C2H5 पहले सब था, एक H और आकर जुड़ जाएगा। भाई बच्चों ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये वाला प्लस इस माइनस के साथ जुड़ेगा। तो C2H5 पहले से था, एक H और आकर जुड़ रहा है, तो C2H6 एथेन बनता है। अब हमारे पास क्या बच रहा है, C6H5NH MgBr, ठीक है। तो ये था बच्चों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। थ्योरी क्या बोलेंगे कि जब एनिलीन की अभिक्रिया, इसकी एनिलीन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करते हैं तो एथेन प्राप्त होता है। ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इस रिएक्शन को आप लिखेंगे। अब हमारा अगला रिएक्शन है हैलोजेनीकरण, ठीक है। तो हम लेते हैं एनिलीन, ये ठीक है। अब इस एनिलीन पर बच्चों ये याद रखेंगे, जब हम रेजोनेंस बनाते हैं तो रेजोनेंस के दौरान हमको पता चलता है कि इसका जो ऑर्थो पोजीशन है और जो पैरा पोजीशन है यही प्रबल क्रियाशील होता है। तो ऑर्थो ये है, ऑर्थो ये है, पैरा ये है। इसका रिएक्शन हम लोग Br के साथ कराते हैं, तो एक Br यहाँ जुड़ेगा, एक Br यहाँ जुड़ेगा, एक Br यहाँ, यानी तीन Br जुड़ेंगे। तो HB तो यहाँ तीन को निकलेंगे, तो तीन Br और चाहिए, तो टोटल मिलाकर हमको कितने Br चाहिए, छः। तो तीन दुना छः, जिसमें से तीन Br आकर इसके साथ जुड़ जाएंगे। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, बाकी तीन Br बच रहे हैं, तीन तो H बाहर निकले हैं, वो उसके साथ जुड़ जाएंगे, 3HBr। इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नामकरण करेंगे, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि एनिलीन का हैलोजनीकरण करने पर हमें 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन या इसी ट्राई ब्रोमो एनिलीन प्राप्त होता है। बच्चों ये जो है ये हल्का पीला अवक्षेप है, यानी कि ये हल्का पीला अवक्षेप तली पर अवक्षेप के रूप में बैठा रहेगा, हल्का पीले रंग का होगा। इसके बाद अगला हम केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, सल्फोनीकरण। क्या देखेंगे, सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण देखेंगे, आपको एनिलीन ले लेना है, इसका रिएक्शन आपको किसके साथ करना है, H2SO4 के साथ रासायनिक अभिक्रिया होगी, माइनस और ये प्लस, ठीक है। अब इसका कौन सा हिस्सा एक्टिव है, आर्थो का या तो पैरा का, तो हम क्या करेंगे, आर्थो या पैरा में से किसी एक को निकाल लेंगे, तो हम इसको निकालते हैं। तो ये जो है ये हिस्सा ये बाहर वापस निकल जाएगा, है ना, एच प्लस के रूप में, ध्यान देंगे किसके रूप में निकला, एच प्लस के रूप में। तो ये प्लस है, तो सामने वाला किस तरह व्यवहार करेगा, क्षार की तरह, ये माइनस और ये प्लस, तो ये वाला जो छाड़ी की तरह व्यवहार कर रहा है वह इस प्लस के साथ जुड़ जाएगा, माइनस एच टू। फिर ये रिंग बना दीजिए, इस रिंग पर ऊपर एन एच टू जोड़ दीजिए, इस माइनस पर क्या जुड़ रहा है, एस ओ थ्री एच, एस 1, 2, 3 एस ओ थ्री एच। इसे हम लोग ओ एमिनो बेंजीन सल्फोनिक
अम्ल कहते हैं। इसे सल्फेनिलिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। इसका नाम ओ एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल या सल्फेनिलिक अम्ल भी इसे कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग एनिलीन के उपयोग देखिए। तो पहला उपयोग है बच्चे इसका रंजक के निर्माण में, यानी डाई बनाने में, रंजक के निर्माण में। दूसरा सिफ बेस बनाने में, अभी पीछे आपने बनाया था सिर्फ बेस बनाने में। तो ये था एनिलीन का टॉपिक, यहाँ से एनिलीन का टॉपिक समाप्त हुआ। अब हम लोग इसी लेसन पर नेक्स्ट वीडियो कल देखेंगे डाई अजोनियम लवण के बारे में। धन्यवाद।